जय ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक्स करें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं तो वो भी इंटरेक्ट करेंगे जो कि हमारे वीडियो में रिकॉर्ड हो सकते हैं, ठीक है। और NDA डिफेंस एग्जाम बाय रोहित सर डेली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, मंडे टू सैटरडे। आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखना है जो कि आपको हेल्प करेगा किस बेसिस पे, डिफेंस एग्जाम पे। आप कोई भी डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे NDA, चाहे CDS, चाहे CAPF, इंडियन कोस्ट गार्ड, एनी डिफेंस एग्जाम यू विल बी गिवन, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है। आज मेरा मॉर्निंग का जो मोटिवेशन है, नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग टेक टाइम्स। कभी भी हार मत मान। अगर आपने कोई ड्रीम देखा है, आपने कोई सपना देखा है, तो मैं आपसे गारंटी बोलता हूं, अगर आपने शिद्दत से उसको, मोहब्बत से चाहा है, तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। और मैंने फिर आपको बताया, NDA जो एग्जाम है वो लोगों के सपने होते हैं, और सपने हकीकत कब बनते हैं, जब वो सपने किसी को सोने नहीं देते, और हर वो अच्छी चीज होने के लिए टाइम लगता है। ये तो आप मानते हो, जो बच्चे 11th में हैं और जो बच्चे 12th में हैं, अगर उनने अपना एफर्ट दे दिया, अप्रोक्सीमेटली वन ईयर उनने अपना डेडिकेटली टाइम दे दिया, डेफिनेटली दे विल अचीव देयर गोल। क्योंकि इतना भी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, मात्र आपको 50% टारगेट अचीव करना है, ओनली 50%। 900 मार्क्स में से 450 अगर आप रिटर्न में लेके आ गए, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ एज इन फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग टेक टाइम। हर बड़ी चीज को समय लगता है, आपके मकसद बड़े होने चाहिए। आप यहां कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर रहे, यहां ऑफिसर बनना है। कांस्टेबल की वैकेंसी तो बेटा 10,000-20,000 आती है, ये भी आपको पता होगा। जब कांस्टेबल की भर्ती आती है तो 10,000-20,000 आती है, पर यहां ओनली लिमिटेड सीट्स, क्योंकि ऑफिसर एक होता है, कांस्टेबल 1,000 होते हैं। यू विल बी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इट्स माय एक्सपीरियंस, शेयर करता हूं मैं हमेशा। माय नेम इज रोहित रामवे, एक्सपीरियंस है 6+ ईयर का, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी में पढ़ाता हूं, एंड एक्सपीरियंस है डिफेंस एग्जाम का, CDS, CAPF, FCAT और ICG। FCAT मतलब एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि आप ग्रेजुएट के बाद देते हो। बेसिकली ये सब एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड, एज असिस्टेंट कमांडेड आई एम गिविंग दिस एग्जाम। टू फेजेस आर देयर, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड एंड फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, टू स्टेज आर देयर, ठीक है। तो वहां भी मैंने क्रैक किया हुआ है। आगे बढ़े, ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है जो कि हमने स्टार्ट कर दिया है 29 नवंबर से। जितने भी बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो और जुड़ना चाहते हैं तो बेसिकली जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर मैं डेली बेसिस पे दे रहा हूँ, PDF आपको मिल रहा है, डाउट सेल्विंग सेशन पूरा मिल रहा है, आपको कोई भी डाउट हो डायरेक्टली आप कर सकते हो। NDA स्पेशल फोकस होगा, यहाँ कोई बकवास नहीं चलेगी, यहाँ पढ़ाई पे ध्यान होगा। यहाँ दूसरों की तरह नहीं कि IIT घुसेड़ दिया बीच में, NIT घुसेड़ दिया, CET लगा दिया, यहाँ वो नहीं चलेगा। यहाँ चलेगा सिर्फ NDA फोकस, डिफेंस फोकस, पर्सनल मेंटरशिप मेरे से बात कर सकते हैं, PDF नोट टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। 6-8 आवर का स्टडी प्लान मैं खुद आपको दूंगा, किस तरीके से आपको स्टडी करना, ठीक है। और कंप्लीट एनसीईआरटी का आपका फोकस दिया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, और ये मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना है, कोई भी व्यक्ति इस टेलीग्राम पे क्लिक करो और वहां टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे, या तो स्कैन कर सकते हो आप, और या तो फिर आप ओपला डिफेंस लिखोगे ज्वाइन हो जाओगे, ओके। आ जाओ, सबसे पहले आज का जो करंट अफेयर है, रेशो 45th जमुना भाई बजाज अवार्ड सेरेमनी टू बी हेल्ड, ये कौन सा एडिशन था, 45th
इसके बिहाफ पे था जमुना बाई बजाज फाउंडेशन अवार्ड सेरेमनी विल बी हैंड ऑन फ्राइडे टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी एंड द गांधीयन प्रोग्राम। बेसिकली ये अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनने समाज के लिए कुछ किया है, जिनने समाज के लिए कुछ एट्रीब्यूट किया है, समाज को कुछ दिया है, जैसे ह्यूमैनिटेरियंस के लिए कुछ किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ किया है, उनने अपने आप को ना सोचते हुए समाज के लिए कुछ किया है, तो उसी को क्या बोला जाता है ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी एंड द गार्डियन प्रोग्राम। दिस विनर विल बी फैसिलिटेट एट द फंक्शन डॉक्टर जस्टिस धनंजय भाई चंद्रचूड़ की, हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गेस्ट से, ठीक है, ये पहले हमारे चीफ जस्टिस थे उनको मिला ये सम्मान, और उसमें अपेयरेंस कौन कर रहा था, हमारे चीफ जस्टिस सेरेमनी में अपेयरेंस कर रहे थे जो रिसेंट में। फाउंडर ऑफ द जमनालाल बजाज फाउंडेशन हैज एलिवेटेड प्राइज मनी ऑफ द 10 लाख, 10 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक एलिमनी प्राइज आपको दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये सेरेमनी अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कि क्या कर रहे हैं, समाज को कुछ दे रहे हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया, क्लियर हुआ, कोई डाउट हो बेशक पूछ सकते हो, ठीक है, देयर इज नो इशू। सैंड माइन, ये ज्योग्राफी का, ये ज्योग्राफी का सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हम क्या बोलते हैं, सैंड माइनिंग। Sand mining is extraction from sand from the various sources such as rivers, beaches, sea beds and the construction, manufacturing and other industry. Basically जो sand mines है, recording चल रहा है। ठीक है? ले जाओ। और नहीं। ताका भी रिकॉर्डिंग चल रहा है। एक पैसे राज दे जाना भी। नहीं। ठीक है, ओके, चल। सैंड माइनिंग बेसिकली आपको कहाँ मिलेगा? रिवर, बीचेस, सी बेड्स एंड द कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इंडस्ट्री से आपको सैंड उपलब्ध किया जा सकता है। बेसिकली आप जानते होंगे कि सैंड की आवश्यकता आपको घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, कोई भी ऐसी चीज बनाने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। व्हाइल सैंड इज अ वैल्यूएबल एंड एसेंशियल रिसोर्स, अनरेगुलेटेड ऑन द अनसुटेबल सैंड माइनिंग कैन बी सीवियर एनवायरमेंट एंड सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। बेसिकली सैंड माइंस जो होते हैं, जैसे कि आप यूपी बिहार तरफ में चले जाओगे, सैंड माइंस बहुत होते हैं। सैंड मतलब जो रिवर के पास आपको बेल्ट मिलेगा वहां आपको सैंड अवेलेबल हो जाएगा, बीचेस के पास अवेलेबल हो जाएगा, बट ये लोग क्या करते हैं, इलीगल ठेके भी लेते हैं, जो कि अगर मंजूरी ना दी जाए तो आईएसआईपीएस ऑफिसर को धमकाने का भी काम करते हैं कभी कभी कि इलीगल हमको करने दो नहीं तो आपको ये सर कर दिया जाएगा। तो सैंड माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। सैंड एज अ रॉ मटेरियल सेकंड मोस्ट यूज्ड रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड एंड टू मेक कॉन्सेंट्रेट एस्पलेट एंड द ग्लास। एस्पलेट एंड ग्लास के अंदर भी क्या यूज होता है, सैंड यूज होता है। एस्पलेट और ग्लास के अंदर, जो ग्लास आप बनाते हो उसके अंदर भी क्या यूज होता है, सैंड यूज होता है, ठीक है। अबाउट 40 टू 50 बिलियन टन सैंड रिसोर्सेज आर एक्सप्लोर्ड ईच ईयर। आंकड़ा देख लो, 40 टू 50 बिलियन, समझ लो 40 टू 50 बिलियन, मिलियंस नहीं है, इतना एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है हर साल, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। गवर्नमेंट पुअरली मैनी कंट्रीज देयर रिपोर्ट स्टॉटेड, गवर्नमेंट इसको सॉल्व नहीं कर पा रही है, इलीगली भी हो रहा है और लीगली भी हो रहा है। अगर टेंडर गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहा है तो बेनिफिट है, और नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग हो रही है, ठीक है। द सैंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिवर, कोस्टल मरीन इकोसिस्टम एंड ऑल्सो द इनोमिनस एनवायरमेंटल इंपैक्ट, माइनिंग कॉजेस इरोजन एंड डायरेक्टली इफेक्ट कम्युनिटी एंड देयर लाइवलीहुड। अभी कभी आपने ये देखा होगा कि समुद्र के किनारे जो सैंड होती है, अगर वहां से वो हटा ली जाए तो पानी का जो फ्लो है कहीं ना कहीं सिटी के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि सैंड क्या कर रही है, उसको एक्सपोर्ट करने का काम कर रही है, रोकने का काम कर रही है। वैसे ही रिवर बेड के अंदर भी क्या होता है, जो सैंड होती है वो क्या करती है, पानी को डाइवर्ट होने से रोकती है। कभी भी आप रिवर के किनारे जाओगे, नीचे भी देखोगे तो सैंड अवेलेबल होती है ना, तो क्या कर रही है, पानी के दबाव को रोकने का काम करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सैंड, और सैंड इरोजन, ठीक है।
Extraction negatively impact aquifer, reduces protection against the storm surges, stream deltas, fresh water and marine fisheries and land changing and the wild diversity. वही बात कर रही है यहाँ कि किस किस कारण से सैंड का यूज हो सकता है, अगर वो सैंड वहां से हट गई तो क्या क्या चीजों को नुकसान हो सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, यहाँ तक समझ में आई कि सैंड माइनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़े, चलो मेथड ऑफ द सैंड माइनिंग, क्या क्या मेथड सैंड माइनिंग के अंदर यूज करे जाते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ द सैंड माइनिंग, रिवर बेड माइनिंग, इसे क्या बोलते हैं, रिवर बेड माइनिंग। दिस इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉम द सैंड माइनिंग, इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर बेड एंड द फ्लड प्लेन। अंडरस्टैंडेबल है कि जहां फ्लड्स आ रहे हैं और जहां रिवर एक्सट्रैक्ट हो रही है मतलब डाइवर्ट कर रही है, वहां से हम क्या ले रहे हैं, सैंड ले रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर बेड सैंड। ठीक है, नेक्स्ट बीच माइनिंग। बीच माइनिंग ऑब्वियसली कोस्टल एरिया की बात करी जा रही है, सैंड ऑब्टेन्ड बाय बीचेस स्पेशली कोस्टल एरिया, हाई टूरिज्म एंड कंस्ट्रक्शन डिमांड्स। कंस्ट्रक्शन डिमांड की वजह से बीच से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, बीच माइनिंग। ब्रिगेडिंग, ब्रिगेडिंग इज द प्रोसेस रिमूविंग सैंड फ्रॉम द सी बेड ओशन फ्लोर यूजिंग स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट सच एज ब्रिगेड्स, इज टिपिकली यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स सच एज हार्बर एक्सपेंशन। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है समुद्र के नीचे और नदी के नीचे, रिवर के नीचे से अगर सैंड निकाल रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रिगेडिंग। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट है इन स्टीम माइनिंग, इन स्टीम माइनिंग इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन सैंड फ्रॉम द रिवर चंबल इटसेल्फ, रिवर चैनल इटसेल्फ। दिस कैन डिस्टर्ब द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर एंड हार्म एक्वाटिक लाइफ। अगर इन स्ट्रीम माइनिंग के थ्रू अगर हम माइनिंग करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, रिवर के जो चैनल से रिवर का जो मोड़ मुड़ाव है उसको बदलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रिवर के मोड़ मुड़ाव को नहीं बदलेंगे तो रिवर का फ्लो जो होगा वो कम नहीं होगा, और जब रिवर का फ्लो कम नहीं होगा तो हम सैंड माइनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए एनवायरमेंट एंड द सोशल इंपैक्ट क्या पड़ता है। अगर आप सैंड यूज कर रहे हो तो लिमिटेड मात्रा में कोई चीज यूज हो रही है तो वो तो ठीक है, बट अगर वो एक्स्ट्रा मात्रा में यूज कर रहे हो तो एनवायरमेंट को क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सैंड स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय रिवर बीचेस हैबिटेट व्हिच आर क्रिटिकल वेरियस एक्वाटिक स्पीशीज एंड नेस्टिंग सी टर्टल। बेसिकली सबसे पहले तो टर्टल्स को हार्म हो रहा है, प्लस एक्वाटिक जो मरीन हम बोल सकते हैं एनिमल, उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं उनका घर बसेरा है। अगर आपका घर बसेरा तोड़ा जाएगा तो कैसे आपको प्रॉब्लम होगी, तो ये तो एक्वेटिक एनिमल्स जो बोल भी नहीं सकते। ठीक है, इरोजन, रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम द रिवर बेड बीचेस लीड इंक्रीज द इरोजन एंड द हायर रिस्क ऑफ फ्लडिंग एडजेसिंग एरिया। बेसिकली जब इरोजन होता है, अगर मिट्टी हटेगी वहां से, सैंड हटेगी तो इरोजन होगा और फ्लड के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे और फ्लड रिस्क एरिया बन जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट वाटर क्वालिटी, सैंड एक्सट्रैक्शन कॉज द सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर स्ट्रीम लीडिंग टू रिड्यूस वाटर क्वालिटी एंड इंपैक्टिंग एक्वाटिक इकोसिस्टम। मतलब सैंड कहीं ना कहीं आपकी वाटर का फिल्ट्रेशन का भी काम करती है। अगर सैंड ना हो तो आपकी वाटर की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है, उसके थ्रू एक्वाटिक एनिमल्स को प्रॉब्लम हो सकती है। चीजें क्लियर हुई। थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, मैनी स्पीसीज डिपेंड हेल्दी रिवर कोस्टल इकोसिस्टम सैंड एक्सट्रैक्शन डिस्ट्रक्चर हैबिटेट एंड लीड टू डिक्लाइन द बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली थ्रेट है हमारी बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि आप मानते हो कि इकोसिस्टम पूरा ज्वाइंट है, अगर वहां से हमने कोई भी इकोसिस्टम मरीन की चीजें हटाई तो वो क्या करेगी, नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी हमारे बायोडाइवर्सिटी पे। इट विल बी क्लियर। चलो लाइवलीहुड, कोस्टल कम्युनिटीज ऑफन रिले फॉर टूरिज्म फिशिंग एंड सैंड माइनिंग नेगेटिवली अफेक्ट दिस इंडस्ट्री, दिस कैन डिस्प्लेस लोकल कम्युनिटीज। बेसिकली अगर किसी एरिया से अगर सैंड निकाल दिया जाए तो वहां जो कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनका फिशिंग ग्राउंड खत्म होगा, प्लस टूरिज्म भी खत्म होगा। अगर जिस समुद्र के किनारे पे अगर सैंड नहीं होगी तो आप खेलने कूदने कहां जाओगे, है कि नहीं। बेसिकली खेलने कूदने इंसान सैंड के पास ही जाता है, तो अगर वहीं से सैंड ही हटा लोगे तो एक तो पानी नहीं रोक पाएगा, पानी तो अंदर आते जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, फिर टूरिज्म खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में इंपैक्ट आता है। यहाँ तक क्लियर हुई चीजें, समझ में आए, एनी डाउट यू विल बी डेफिनेटली आस्क। आगे बढ़े वेस्टर्न घाट्स। अब देखो
ये जो टॉपिक है ना सदाबहार टॉपिक है, ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फैक्चुअल टॉपिक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि वेस्टर्न घाट्स है क्या। वेस्टर्न घाट्स हमने बहुत पढ़ा, टेंथ में, सिक्स में, एट्थ में बहुत पढ़ा होगा, बट आज जो पढ़ने जा रहे हो ना वो अलग ही लेवल का होगा। वेस्टर्न घाट आप देखते हैं, सबसे पहले कुछ फैक्चुअल डाटा। वेस्टर्न घाट ऑल्सो नो एज द सियाचिन हिल्स, वेस्टर्न घाट को क्या बोला जाता है, सियाचिन हिल्स, एज वेल नोन एज रिच एंड द यूनिक असेंबली ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, मतलब वन वनस्पतियों के लिए बेसिकली बहुत अच्छा स्टे है सियाचिन हिल्स, और भी कॉल्ड एज वेस्टर्न घाट। दिस रेंजेस इज कॉल्ड द सियाचिन इन नॉर्दर्न महाराष्ट्र, ये याद रखना, सियाचिन कहां बोला जाता है, नॉर्दर्न महाराष्ट्र में, और सैया पर्वतम इन केरला, क्योंकि वेस्टर्न घाट केरला तक टच है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा एनडीए में, क्या पूछेगा कि महाराष्ट्र वाले रीजन में क्या बोला जाता है, तो वी कॉल्ड एज अ सह्याद्री, बट इन केरला रीजन वी कॉल्ड एज अ श्याम पर्थवना इन केरला। ठीक है, वी विल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, बट यू विल बी अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन समझो। ठीक है, नेक्स्ट, द नॉर्थन पोर्शन ऑफ द नैरो कोस्टल प्लेन बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी नो एज अ कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट बोला जाता है। अब कोंकण कोस्ट कौन से एरिया को बोला जाएगा, जो कि नैरो पैसेज है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी का। ठीक है, जैसे कि हम गोवा वाला जो रीजन बोलते हैं, गोवा के जो अपर वाला रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, कोंकण वाला रीजन। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में, यहां तक तो बेसिकली सब जाते हैं, अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड कनारा एंड साउथर्न पोर्शन इज कॉल्ड मालाबार रीजन ऑफ द मालाबार कोस्ट, इसको मालाबार कोस्ट भी बोला जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मालाबार कोस्ट में कौन सी स्टेट लगी हुई है, तो आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, समझ लो। तो मालाबार कोस्ट से कर्नाटका भी लगा हुआ है, मालाबार कोस्ट से केरला भी लगा हुआ है, मालाबार कोस्ट से गोवा भी लगा है। महाराष्ट्र मालाबार कोस्ट का अपर पोर्शन है, महाराष्ट्र मालाबार कोस्ट का अपर पोर्शन है। मालाबार कोस्ट को क्या बोला जाता है, साउदर्न साइड, ठीक है, जो कि बेसिकली केरला वाला रीजन है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इस तरीके के खेल खेलेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट वर्ड उठाएगा और डाल देगा, समझ रहे हो चीजों को, तो आपको अंडरस्टैंड लेवल आपका बढ़ाना है। दिस फुटहिल रीजन ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र नोन एज देश, वाइल द ईस्टर्न फुटहिल ऑफ सेंट्रल कर्नाटका स्टेट नोन एज मालाबार। ये देसी नाम है, ये देसी नाम है, महाराष्ट्र में देशी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, मालानीडू। मालानीडू कहां बोला जाता है, कर्नाटका में। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल देगा कि मालानीडू कौन से स्टेट में बोला जाता है और ये सियाचिन का नाम है क्या या नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, समझ लो। देखो अगर उसको क्वेश्चन कब बनाना है ना, तो ऐसे नुआंस ढूंढेगा फिर आपसे। ठीक है, चलो, इन द साउथर्न रेंज नो एज द नीलगिरी मलाया, नीलगिरी हिल सुना है, नीलगिरी हिल वो ही तमिलनाडु में है, क्या बोला जाता है, नीलगिरी मलाया। ठीक है, अब देख लो वेस्टर्न घाट के इतने सारे नाम हैं, हमने मात्र आज तक सिर्फ सह्याद्री पढ़ा है, सह्याद्री के अलावा हमने आज तक जीवन में कुछ नहीं पढ़ा है। अब बताओ आप देने जा रहे हो एनडीए का एग्जाम, तो आप कैसे समझोगे ये चीजों को, मजाक है या कि टाइम पास है कि ये इतना इजी से सॉल्व कर देंगे, पूछ देगा कि वेस्टर्न घाट कहाँ है और ये पूछ देगा कि सह्याद्री हिल्स कहाँ है, इतना लफू जम पर समझाए क्या एनडीए वालों को, समझे। उसके बाद इट रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब आपसे पूछा जाएगा वेस्टर्न घाट को किसने सर्टिफाइड किया हुआ, WHO ने, यूनेस्को ने, IMF ने या वर्ल्ड बैंक ने, पूछ सकता है ना, चार ऑप्शन बना देगा, तो आपको याद रखना यूनेस्को ने, किसने किया हुआ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई, चलो बड़े आगे, आपके लिए एकदम निचोड़ है, टेंशन मत लो, आप वेस्टर्न घाट को समझ के जाओगे। बेसिक टोपोग्राफी, जियोग्राफिकल एक्सटेंड, वेस्टर्न घाट एक्सटेंड फ्रॉम सतपुड़ा रेंज इन द नॉर्थ, वेस्टर्न घाट के ऊपर वाला जो हिमालय उसे क्या बोला जाता है, सतपुड़ा रेंज इन द नॉर्थ। ठीक है, गो साउथ पास्ट गोवा थ्रू कर्नाटका केरला तमिलनाडु कन्याकुमारी इंडियन ओशन, कौन कौन से स्टेट है, गोवा कर्नाटका केरला तमिलनाडु
ये सब लग रहा है, याद रख लेना। अब सोचोगे तमिलनाडु का क्या संबंध है, तमिलनाडु तो ईस्टर्न साइड है बेटा, कन्याकुमारी तो लग रहा है ना, तो कन्याकुमारी किसके अंदर आ रहा है, तमिलनाडु के अंदर। अंडरस्टैंड, कंफ्यूज नहीं करना, बोल देगा वेस्टर्न साइड में या सियादरी हिल्स में कौन कौन से स्टेट लगते हैं, तो याद रख लेना केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र मत भूल जाना, ठीक है। चलो, अ चेन ऑफ द माउंटेन रन पैरेलल टू इंडिया वेस्टर्न कोस्ट अप्रोक्सीमेटली 30-50 किलोमीटर का इनलैंड है, ठीक है, 30-50 किलोमीटर का इनलैंड है। दीज माउंटेन्स कवर अ एरिया अराउंड 1,40,000 किलोमीटर स्क्वायर, और स्ट्रेच कितना है इसका, 1600 किलोमीटर का, इतना डीप नहीं जाएगा, बट मेरा काम है बताना, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, माउंटेन के रेंजेस इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, नीलगिरी रेंजेस, अब कौन कौन सी माउंटेन है याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले नीलगिरी रेंजेस, साउथर्न मैसूर इन कर्नाटका मीट द शेवरॉय हिल्स, क्या बोला जाता है, शेवरॉय हिल्स, और क्या बोला जाता है, शेवरॉय क्या बोलता है, रेंजेस। नीलगिरी से जो नीलगिरी है साउथर्न मोस्ट पॉइंट है कर्नाटका, मीट किससे कर रही है, शेवरॉय हिल्स से, शेवरॉय रेंजेस या हिल्स से, ठीक है। एंड द तिरुमाला रेंज फार्दर ईस्ट, सियादरी का जो दूसरा पार्ट है वो तिरुमाला रेंजेस में, लिंकिंग द वेस्टर्न घाट टू ईस्टर्न घाट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कौन सा रेंज मिलाता है, कौन सा रेंज मिलाता है, तिरुमाला रेंज, ठीक है, याद रखना है, पूछेगा, ठीक है। और अगर उसे बोल दिया जाए ब्रॉड एंगल में तो आपको उत्तर करके आ रहा है नीलगिरी रेंजेस। अगर डीप में पूछता है, अगर तिरुमाला लिखा हुआ तो आंसर आपका तिरुमाला होगा, अगर तिरुमाला नहीं लिखा हुआ तो आपका नीलगिरी आंसर होगा, कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कौन ज्वाइन करता है, तो नीलगिरी रेंज। अंडरस्टैंड, सो बिटवीन द ईस्टर्न घाट द पीक ऑफ अनाई मुड़ी इज केरला हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट, गोट के पी लेना, अनाई मुड़ी इन केरला ये हाईएस्ट पीक है किसकी, वेस्टर्न घाट की, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो अनाई मुड़ी के अंदर। अब इसके बाद जब सेशन स्टार्ट करेंगे वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब मैं आपको बताऊंगा ज्योग्राफी के कैसे क्वेश्चन आते, ठीक है, इन द पीक इन द आउटसाइड ऑफ हिमालयस, ठीक है। फेमस हिल स्टेशन तो बेसिकली माथेरान है, पता ही होगा, लोनावला, खंडाला, महाबलेश्वर, पंचगणी, अंबोली घाट, कुद्रुमुखा एंड द कोगाडू, ठीक है, ये हिल स्टेशन। अब आ जाते हैं थोड़े से रिवर्स पे, रिवर कौन कौन सी है, रिवर्स घोट के पीना है, रिवर्स को याद कर लेना है, पीडीएफ दे दूंगा पढ़ लेना, नोट बना लेना, जो करना है कर लेना, पर घोट के पी लेना, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। कौन कौन सी रिवर है सुनो, वेस्टर्न घाट में कौन कौन सी रिवर बह रही है, सबसे पहले पेरियार, पेरियार रिवर, ठीक है, भरत पूजा ये इसी की सहायक नदी है, पेरियार बड़ी रिवर है उसकी सहायक नदी है, नेत्रवती, शेरावती, मांडोवी, मांडोवी रिवर कहां बह रही है, मांडोवी रिवर कहां बह रही है पता है, एनी आइडिया, पता है, गोवा में, गोवा के किनारे ही मांडोवी रिवर, रिवर बह रही है उसके बाजू में गोवा है, मांडोवी रिवर गोवा में है, ठीक है, समझ में आया। चलो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, अब पूछेगा कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी है, तो वेस्टर्न घाट्स में 3 मेजर रिवर्स है, कौन कौन सी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, मेनी स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, तुंगा, भद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमावती और कावेरी, ये किसकी सहायक नदी है, ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की। स्पेशली हम लोग ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, हम लोग अलग से पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी का सेशन चालू होगा, ऑफलाइन जब जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो ऑफलाइन आएंगे तो ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे उसमें एक एक रिवर बड़ी उठाएंगे और उसमें पॉइंट पॉइंट जानेंगे कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, एनी डाउट नहीं, चलो आगे बढ़े। चलो अब आ जाते हैं क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्लाइमेट भी तो जानना पड़ेगा ना, क्लाइमेट है द फॉरेस्ट ऑफ द साइड इंक्लूडिंग सम बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बेसिकली क्या है, जो वेस्टर्न घाट है बहुत बारिश होती है, ये तो आप जानते हो, अरेबियन सी से हर मतलब आप बोल सकते हो कि सबसे पहले बारिश इंडिया में अरेबियन सी के थ्रू ही हो रही है, लेकिन उसके बाद एरिया बेसिस
325 globally threatened flora fauna bird amphibian reptile species species are there. 325 तरीके के प्रजाति पाए जाते हैं, ठीक है. The highest monotonous forest ecosystem in the Indian monsoon weather pattern. ठीक है, यहाँ मॉनसून पैटर्न होता है या बारिश बहुत अच्छी होती है. घाट एट द की बैरियर इंटरसेप्टिंग द रेन लैडन मॉनसून स्वीप इन द साउथर्न वेस्टर्न ड्यूरिंग द लेटर पार्ट. बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है कि सबसे पहले जो बारिश हमारे इंडिया में होती है वो कौन सा, वेस्टर्न मॉनसून से होती है. सबसे पहले बारिश कहाँ से हो रही है, वेस्टर्न मॉनसून से हो रही है. ठीक है, द वेस्टर्न स्लोप हैव अ ट्रॉपिकल सैंड एंड सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट. अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वेस्टर्न घाट का जो रीजन है उसका मॉनसून कैसा है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट है. ठीक है, ट्रॉपिकल मतलब जहां ज्यादा बारिश होती है, तो हमारे वेस्टर्न घाट्स में तो होती है. कौन कौन से पेड़ पाए जाएंगे, रोजवुड, महोगनी और सिडार. क्वेश्चन ये भी पूछता है किस किस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में, रोजवुड, महोगनी, सिडार. ठीक है, यहां तक हो गया. और कुछ ऐसी स्पीसीज है जैसे नीलगिरी ताहिर, ये एनिमल की स्पीसीज है, और लायन टेल मकाओ, ये बंदर है एक तरीके का, ये हम बाद में देखेंगे. ठीक है, नीलगिरी बायो रिजर्व फॉर्म द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर प्रोटेक्टेड इन द वेस्टर्न घाट. नीलगिरी बायो रिजर्व कहां पर बिलोंग करता है, वेस्टर्न घाट पे. यहां तक समझ में आया, क्लियर हुआ, एनी डाउट इज देयर, आई थिंक सो, नो. ठीक है, आगे इट कंपेयर्स द एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसे क्या बोलते हैं, नागर बोले. अब यहाँ देखिए कौन कौन से नेशनल पार्क है, आपको याद करना पड़ेगा, ये ज्योग्राफी का कोर सब्जेक्ट है. कौन कौन से वेस्टर्न घाट में आपको ये मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क. सबसे पहले नागर बोले, बांदीपुर नेशनल पार्क, उसके बाद ये कर्नाटका के अंदर है. कौन सा, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका के अंदर है. वायनाड एंड मुदुमलाई नेशनल पार्क जो कि आपको कहां मिलेगा, केरला के अंदर और तमिलनाडु के अंदर. ठीक है, क्या याद करोगे सबसे पहले कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर है, कर्नाटका में. सेकंड चीज क्या याद करना है आपको, वायनाड और मुदुमलाई नेशनल पार्क का है कर्नाटका और केरला के अंदर. ठीक है, केरला में एक और नेशनल पार्क है जो कि बहुत फेमस है जिसका नाम है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि सबसे बड़ा ट्रॉपिकल एरिया फॉरेस्ट है. अंडरस्टैंड, क्लियर, पीडीएफ उठाना है, अच्छे से याद करना है, डाटा ज्यादा है पर हो जाए, मुझे हुआ है आपको भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं. ठीक है, we will shift, आगे बढ़े बढ़े आगे. चलो अब आ जाते हैं आर्टिकल 15 पे. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अंशुमन खुराना की इस पे मूवी बन चुकी है आर्टिकल 15 पे. आर्टिकल 15 किस वजह से फेमस है और आर्टिकल 15 क्यों हमारे समाज में इतना इंपॉर्टेंट है, ये हमें जानना है. आर्टिकल 15 का इंपॉर्टेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में, और फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है वो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले क्लॉज 1, आर्टिकल 15 क्लॉज 1, ऐसे छह क्लॉज है. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम. गवर्नमेंट किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किसी भी व्यक्ति से नहीं कर सकती, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ ऑफ देम. गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी से डिस्क्रिमिनेट कर ले, और कोई आदमी भी नहीं कर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, the word discrimination means make a adverse distinction or the distinguish unfavorable for the other. मतलब discrimination मतलब किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है, आर्टिकल 15 आपको ये बोल रहा है, from other. For example, नायक सुखदेव versus state of UP, ये सब जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, ये हम कभी और बात करेंगे, बट यहाँ जो लिखे हुए बस उतना था. ठीक है, न्याय सुखदेव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अ लॉ विच प्रोवाइड फॉर इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी वाज हेड इन द अनकॉन्स्टिट्यूशन. सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब बता देता हूँ, बेसिकली ब्रिटिश टाइम पीरियड में सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है जो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है तो उसका जो वोटर हब होगा वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही होगा, अदर कोई उसको वोट नहीं देगा. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशन हुआ ना,
क्योंकि आप अगर शेड्यूल कास्ट से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एसटी से हो, पर आपको वोट तो कोई भी दे सकता है। पर ऐसा कब नहीं था ब्रिटिश टाइम पीरियड में? ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट था, ठीक है, जो कि भीमराव अंबेडकर जी मांग रहे थे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई? चलो आगे देखें। द वर्ड ओनली यूज इन आर्टिकल 51 इंडिकेट दैट डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट वन बिलोंग टू द पर्टिकुलर कास्ट सेक्स एक्सेट्रा। इट फॉलो फ्रॉम दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड और द अदर रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और द प्लेस बर्थ ऑफ। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है ये कि आर्टिकल 15 आपको किसी भी तरीके का भेदभाव करने से डिस्क्रिमिनेट करता, आपको नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर गवर्नमेंट ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाता है जिसको प्रिविलेज की तौर पे देखा जाए, इक्वलिटी की तौर पे देखा जाए, तो वो दे सकता है। जैसे कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन सबको रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो ये सब चीजें मिली भी है, तो मिलने के बावजूद आप ये नहीं बोल सकते कि जनरल वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, तो जनरल वालों के साथ ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये मात्र इन लोग को अपलिफ्टमेंट करने की बात करी जा रही है। ओके, अंडरस्टैंड हुआ यहां तक? चीजें क्लियर हुई? आर्टिकल 15 क्या होता है? चलो अब आगे देखते हैं। अभी तो सब क्लॉज फर्स्ट हुआ है, अभी सब क्लॉज टू देखते हैं। डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ एमबी रूल द स्टेट मेडिकल कॉलेज रिक्वायर कैपिटल फीस फॉर नॉन मध्य भारत स्टूडेंट फ्रॉम एडमिशन कॉलेज वाज हैड वैलिड ग्राउंड द एग्जम्पशन रेसिडेंट एंड नॉट प्लेस ऑफ द बर्थ। ये देखो, ये केस आया था डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ एमबी। ये क्या हुआ था कि बेसिकली स्टेट मेडिकल कॉलेज के अंदर नॉन वहां के स्टेट वालों को एडमिशन नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द एग्जेप्शन ऑफ रेसिडेंट एंड नॉट प्लेस ऑफ द बर्थ। बेसिकली ये बात क्या हुई थी कि जैसे आज महाराष्ट्र में एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, ठीक है, और वो आके यहाँ के आईआईटी हो एनआईटी हो या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको पूरी फीस भरनी पड़ेगी, रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो स्टेट से बिलोंग नहीं करता। तो उसी तरीके से वहां के मेडिकल कॉलेज में भी किया गया था, बट जजमेंट क्या आया, नहीं आप ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो अभी अगर कोई बाहर का भी व्यक्ति है तो उसको 10% का कोटा दिया जाता है। कितने परसेंट का कोटा दिया जाता है? 10% का कोटा दिया जाता है। जैसे मैं बाहर का व्यक्ति हूँ तो मैं यहाँ आके पढ़ाई कर सकता हूँ, मुझे 10% का कोटा मिला जाएगा, मेरे को फीस में भी एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है, भले मैं यहाँ से बिलोंग नहीं भी करता हूँ। ठीक है, सब क्लॉज टू, इट इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल फॉर द जनरल पॉपुलेशन कंटेन्ड इन द क्लॉज वन। इट सेज नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट इन एनी डिसेबिलिटी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंडीशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन कास्ट सेक्स एंड अदर क्लॉजेस। बेसिकली आपको यही बताना चाह रहा है कि किसी भी कंडीशन में आप किसी से भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, ये संविधान में गैर कानूनी है। आर्टिकल 13, Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and child. देखिए, SC, ST, OBC ये तो मान्य है, ठीक है, पर उसके साथ women और child के लिए भी आपको special provision बना सकते हो, state को कोई नहीं रोक सकता। ये क्या हुआ? Positive approach हुई है। क्या हुआ? Positive। देखिए, women के साथ atrocities हजारों सालों से हुई है, तो उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए क्या किया जा रहा है कि इनको उठाया जा रहा है और क्या किया जा रहा है, इक्वल राइट देने की बात करी जा रही है। तो यहां भी ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, यहां बात क्या हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं कि अपलिफ्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। यहां कोई एट्रोसिटीज खत्म नहीं हो रही है, यहां आपको अपलिफ्टमेंट इक्वल दर्जे की बात करी जा रही है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई कि सब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है? और जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ द 18 के सुप्रीम कोर्ट इन 5 जज बेंच सेक्शन 495 तो उसमें कोई गैर कानूनी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब क्लॉस 4 तक देख लीजिए, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। चलो आगे बढ़े, अब आ जाता है सब क्लॉज 5 और सब क्लॉज 6। सब क्लॉज 5 कॉन्स्टिट्यूशन 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 इंसर्ट आर्टिकल 15 इफेक्ट इन 2006 टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पॉइंट ऑफ एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। बेसिकली
क्लॉज 593 अमेंडमेंट एक्ट 2005 के साथ क्या रखा हुआ है कि पॉइंट ऑफ एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको क्या किया जा सकता है, एडमिशन मिल सकता है। और ये कहीं ना कहीं बात क्या कर रहा है, ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, 93 अमेंडमेंट एक्ट। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 103rd constitutional amendment 2019 insert clause 6 which has followed nothing that article sub clause। बेसिकली यह क्या बात हो रही है कि आर्टिकल 103 के अंदर 2019 के अंदर क्या लाया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा। अगर आप जनरल में हो, ठीक है, बट आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो आप ईडब्ल्यूएस का कोटा ले लो, आपको 10% का रिजर्वेशन मिल जाएगा। कितना? 10% का रिजर्वेशन मिल जाएगा। और आपको क्या होगा, फीस कम देनी पड़ेगी इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में अगर आप जाते हो एडमिशन लेने। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। बहुत अच्छी मूवी थी अंशुमन खुराना की, अगर टाइम मिले तो कभी देखना, समाज के लिए बहुत जरूरी थी ये मूवी, मुझे तो लगा बहुत अच्छी मूवी। ठीक है, समझ में आई चीजें, क्लियर हुई, आर्टिकल 15 क्लियर हुआ, कोई डाउट है, स्टिल एनी डाउट यू विल बी आस्क्ड ऑन कैमरा, कोई भी दिक्कत नहीं पूछ सकते हो, कोई डाउट रहा है आर्टिकल 15 से लेके कोई भी ऊपर टॉपिक से लेके, कोई भी डाउट नहीं रहा है। ठीक है, तो समअप करेंगे हम, ये हमारा ओपनिंग लर्निंग अकेडमी ओपला है, एनडीए का बैच लॉन्च हो चुका है, कोई भी स्टूडेंट मुझसे मिलना चाहता है, लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल निगरी पुणे आगे ही कॉन्टैक्ट नंबर है। और थैंक यू वॉचिंग, एंड आपको क्या करना है, लाइक और शेयर। ओके, बाय।